हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सर्द भरी सुबह की पहली चाय के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बन रहा है सुबह का नाश्ता, और बस यहाँ पे चाय मैंने बनने रख दी तो वो बॉयल हो रही है, उबल रही है उबल रही है। और साथ में बना रही हूँ आज मैं पूड़ी, क्योंकि कल मैंने बनाई थी मेथी आलू की सब्जी, तो थोड़ी सी बची रखी थी, तो बस मैंने सोचा चलो इसी को आटे में गूंद कर और पूड़ी बना लेते हैं। क्योंकि जो कच्ची मेथी की पूड़ी बना देना उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जो सब्जी बनी हुई होती है ना आलू मेथी की, उसकी पूड़ी बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हम लोगों को। और आलिया को ये वाली पूड़ी बहुत पसंद आई, कहने लगी मम्मी जब भी सब्जी बनाया करो ये वाली पूड़ी ज़रूर बनाना। तो बस मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ज़्यादा बना लिया करूँगी। तो बस यहाँ पर ये हमारी गर्मा गर्म पूड़ी हो रही है फ्राई, और अभी हो गया है दोपहर का टाइम। तो सारा जो काम किया मैंने साफ़ सफाई का, उसका वीडियो शूट नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। मतलब खाना बन गया, बस जो मुझे मिर्ची फ्राई करनी थी वो कर ली है, और यहाँ पे खाना निकाल लेती हूँ। तो बस अभी टाइम हो गया है दोपहर का, और मैं यहाँ निकाल रही हूँ खाना। और आज खाने में बनाया है मैंने दाल चावल। तो मैं स्टार्ट कर लेते अभी से, क्योंकि सुबह से थोड़ा सा ऐसा ही दिन था इस वाला, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है। काम वगैरह जो भी घर के जरूरी काम होते हैं, झाड़ू सफाई बर्तन खाना, बस यही काम, एक्स्ट्रा काम करने का कोई भी मन नहीं होता। और फिर कपड़े मुझे धोने नहीं थे, क्योंकि मैंने कल भी धो लिए थे कपड़े, और लाइट भी नहीं थी। खैर अभी आजकल क्या, हमारे साइड की लाइट थोड़ी सी ऐसी चल रही है, गड़बड़ खराब चल रही है। बल्कि इधर साइड में तो लाइट है नहीं, हमारे दो साइड से लाइट डली हुई है, तो इसलिए दूसरी साइड की लाइट है। तो इस वजह से, क्योंकि इधर की जो डीपी है वो खराब हो गई है, तो बस देखते हैं क्या होता है। लाइट का तो ऐसे ही मैनेज होता रहता। तो चलिए फिलहाल हमने निकाल लिए अपने दाल चावल, तली हुई मिर्चियां। किस किस को दाल चावल के साथ तली हुई मिर्ची पसंद है? तो बस यहाँ पे ये देखो बढ़िया लग रही ना। तो बस आज का ये खाना है हमारा, और आज का मौसम हमारे यहाँ खतरनाक वाला है। सुबह से ठंडी हवा, धूप नहीं है, मतलब चलिए खाना खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? तो बस अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी। ये देखो ये ना है। तो यहाँ नाया भी रेडी हो चुकी है, हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस ये गाड़ी निकालने गए हैं नीचे। तो गाड़ी वगैरह निकाल लें तब हम लोग जाएंगे ये नीचे और मिल आएंगे। मैं दूध लेकर जब लौट रही थी तो बस यहाँ पे आंटी से बात करने लगी, तो बस आंटी पूछने लगी कि बच्चे आज ट्यूशन नहीं गए, मेले की कर रहे हैं रोज रोज, तो आज ले जा रहे हैं। तो आंटी कहने लगी कि अब तो मेला उठने लगा है, मतलब जो बड़े झूले हैं वो निकल गए। तो मैंने कहा झूले तो हम वैसे भी नहीं झूलते हैं, चलो बच्चों के बस जो छोटे वाले झूले वगैरह रहते हैं वो तो मिल जाएंगे। तो आंटी कहने लगी हाँ मिल जाएंगे शायद, देख लो। तो मैं मतलब एक बार को ये सोचने लगी कि जब पहले गए थे तब मेला स्टार्ट नहीं हुआ था, और अब जा रहे हैं जब पूरे मुरैना ने मेला देख लिया घूम लिया, और हम बच्चों को अब ले जा रहे हैं जब मेला निकलने लगा है। चलो ठीक है, जो भी मिल जाएगा उसमें घुमा लाएंगे बच्चों को। तो अभी ले जा रहे हैं, और बस ये इनकी जो भी जंपिंग वगैरह है, बच्चों वाले झूले हैं वो मिल जाए तो बच्चे खुश हो जाए, वरना आले थोड़ा गुस्सा हो गया क्योंकि उसको बड़े वाले झूलों में झूलना था। मैं कहने लगी कि मुझे उसमें डर लगता है, मैं तो झूलूंगी नहीं। तो कहने लगी मुझे किसी के साथ बैठा देना, मैं तो झूलूंगी उनमें। तो मैंने चलो अच्छा है, वो तो निकल गए। तो अभी गुस्सा हो गई है वो, तो लेकिन वो मान जाती है जल्दी। इनाया से तो ठीक है, इनाया बहुत देर में मानती है, लेकिन वो जल्दी से मान जाती है, मेरी सीधी बच्ची है वो। तो बस उसको कुछ दिला देंगे और जो भी होगा झूले में उसको घुमा देंगे। तो अभी बैठी हुई है वहाँ पर गुस्से में कि तुम जब से नहीं लेकर गई मुझे, और अब लास्ट में जब निकल गए तब लेकर जा रहे, क्या करें। सर्दी के दिन ऐसे निकलते जा रहे थे, छोटे छोटे दिन हो गए हैं, हाल निकल जाते हैं, और रात में सर्दी को देखते हुए नहीं जाते हैं, दिन में सोचते तो जा नहीं पाते। तो बस ऐसे ही करते करते वो कहते हैं ना आजकल आजकल में चीज़ें डालते रहो ना तो निकल ही जाती हैं। तो बस ऐसा ही हो गया अब की बार, तो मतलब यहाँ होते हुए भी हम रहने का मेला नहीं देख पाए इस बार, इतने टाइम बाद तो लगा और हम इतने टाइम बाद यहाँ पर हैं। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेले में, तो यहाँ पर साइड में गाड़ी लगाने आए हैं, और मेला है इस साइड,
ये देखो झूले। तो चलते हैं। और अभी वहां पे कुछ लोग बोल रहे थे कि बड़े झूले बंद हो गए, लेकिन या तो झूले चालू हैं, बंद नहीं हुए, और हमारी आलिया खुश हो गई है। तो बस यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए हैं, और सबसे पहले बस बच्चों को झूला झूलना था, तो बस यहाँ पे एक एक करके वो झूला झूलते जा रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे एरोप्लेन वाले झूले में बैठे, और मतलब बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल है ना, मतलब मेले में आके हम भी जब छोटे थे ना, तो हम भी ऐसे ही मतलब खुश हो जाते थे जब हमारी मम्मी हमें मेले लेकर जाती थी। तो और बस यहाँ पे वैसे सोच तो रही थी कि दिन में ही चले जाएँ, लेकिन धीरे धीरे रात ही हो गई, और सर्दियों में वैसे भी बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो सर्दी तो बहुत है, लेकिन ये है कि मेले में आकर मतलब कम लग रही, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है ना, तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना सर्दी कम लगती है। तो बस यहाँ पे जो है ना बच्चे भी पहले झूले में झूल लिए, और इन्होंने जो है ना लगातार सारे झूले जो जितने भी थे ना, मतलब बच्चों वाले, क्योंकि बड़े वालों में तो मैंने बैठाला नहीं, क्योंकि सर्दी भी ज़्यादा है, और फिर अकेले हूँ क्योंकि मैं तो झूलती नहीं हूँ, और ना ही इनको शौक है झूला झूलने का। मुझे तो मतलब डर लगता है, शौक तो बहुत है, अच्छा लगता है, मन करता है देखकर, लेकिन बस यही है कि डर बहुत लगता है, तो बस इस वजह से मैं नहीं झूलती हूँ झूला। तो बस जो भी बच्चों वाले जितने भी मतलब थे, तो इन्हें लगातार सारे झूले मतलब झूले हैं, तो एक एक करके सारे झूलों में बैठ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब हमारे बच्चे मतलब अपना बचपन एंजॉय करते हैं ना, तो हम माँ बाप भी अपने बचपन को याद कर लेते हैं कि हम भी ऐसे एंजॉय करते थे, तो हम तो बस अपने बच्चों को देखकर खुश हो लेते हैं, चलो ये खुश है तो हम भी खुश हैं। तो बस नंबर वाई नंबर झूलों में झूलती आ रही थी, और यहाँ पे इनाया जिद कर रही थी कि टैटू बनवाना है मुझे, मतलब इसके बगल में जो रियल टैटू बनता है ना, वो बैठे थे भैया लोग काफ़ी सारे यहाँ पर थे, तो पहले भी वो रो रही थी कि मुझे ये टैटू बनवाना है, पता नहीं बच्चे कैसे जान जाते हैं कि ये टैटू होता है। तो बस उन्हीं के बगल में ये आंटी बैठी थी, तो इन पे ये मेहंदी, क्योंकि पहले तो ये मेहंदी हमारे बचपन में लगवाते थे, लेकिन अब ज़्यादातर लोग नहीं लगवाते हैं, तो मैंने कहा चलो यही टैटू ही ना है, ये बनवा लो। तो बस यहाँ पे दोनों ने ये मेहंदी लगवा ली है, लेकिन मैं सिर्फ टैटू ही बोल रही थी। और फिर जो झूले बचे हैं तो कहने लगी अब हमें और झूलना है, तो हमने कहा चलो ठीक है झूल लो। तो बस यहाँ पे दूसरे झूले में ही बैठ गई, लेकिन आलिया को इस वाले झूले में जो है ना चक्कर आने लगे थे, और वॉमिटिंग जैसा मन होने लगा था, क्योंकि अब लगातार झूले झूलेंगे तो ऐसा तो होएगा ही। तो फिर यहीं पर ये हो गई लास्ट, और देख लीजिए कितने बड़े बड़े झूले आए इस बार, जो हमारे यहाँ का मेला है ना बहुत ज़्यादा अच्छा भरा गया है, और झूले काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हैं क्योंकि काफ़ी साल बाद लगाए। तो बस अगर मेले आए और सॉफ्टी नहीं खाई तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली ये वाली सॉफ्टी हमारे यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन जब मेले लगते हैं तो उसमें ये सॉफ्टी बहुत मिलती है। तो बस यहाँ पे पहले हम लोग सॉफ्टी एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ बच्चे भी देखो मतलब सर्दी में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे, तो आलिया कहने लगी मम्मी मुझे ये खाकर देखना है, ये मैंने वीडियो में बहुत देखा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये देख लो। तो पहले मैं पूछ रही थी कि ये क्या है, कैसा है, नुकसान तो नहीं करेगा, तो भैया बोलने लगे नहीं वैसे यही है, तो इसमें वेफर्स थे और इसमें कुछ इन्हें डाला था जिससे धुआं निकलता है, मैं जानती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे ये आलिया को बड़ा शौक लग रहा था, और आलिया को अपनी इंस्टाग्राम रील बनवानी थी इसलिए। तो बस यहाँ ये आलिया ने खाया, तो फिर इनाया भी जिद करने लगी कि मुझे भी खाना है। बस उसके बाद बच्चों का तो पूरा हो चुका था, तो फिर मैंने कहा चलो मुझे भी दो तीन चीज़ें दिलवा दो। तो हम लेडीज़ के अपने घर गृहस्थी की चीज़ें लेने के लिए करते हैं, तो मुझे जो है ना काफ़ी टाइम से ये था कि मैं स्टैंड ले लूँ कप के लिए, क्योंकि मैं डलिया में रखती हूँ जो सब्जी रखने वाली डलिया होती है ना, जिससे ये सामने रखी रेड वाली, तो ये मैं इसमें रखती थी जो भी कप वगैरह हम यूज़ करते हैं वो। तो फिर मुझे ये स्टैंड मिल गया, और बहुत ज़्यादा अच्छा है और रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि 150 के दो स्टील के आइटम मिल रहे थे यहाँ पर। तो मैंने दो मतलब चार आइटम लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो पहले तो ये स्टैंड लिया, मैं चकला बेलन और तवा रखने वाला स्टैंड और देख रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। और बस उसके साथ मैंने ये पोट लिए हैं, मतलब गुलदस्ते जिनको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे ये 100 के चार हैं, तो ये मैंने लिए सिर्फ। तो बस यहाँ पे ये चार मैंने ये ले लिए हैं, और भी मैंने देखे लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आए। तो आलिया भी कहने लगी मम्मी ये वाले ले लो। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेलों में चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन ऐसा लगता है ख़राब ना निकल जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन ठीक है अब मेले में गए तो कुछ तो ख़रीदना बनता है। तो बस यहाँ वहाँ से मैंने, जैसे कि मैं बोल रही थी ना 150 के दो आइटम थे स्टील के,
तो यहाँ पे एक मैंने ये लिया है कद्दूकसनी, तो क्योंकि ये जो है ना मेरी पहले वाली है वो टूट गई, तो फिर मैंने ये वाली ले ली, क्योंकि उसमें जो है ना मतलब अलग अलग पार्ट लगे हुए थे, तो मैंने जब गाजर कसी ना तो वो निकल गया। और एक मैंने ये बघार देने के लिए छोटी सी कढ़ाई लेकर आई हूँ, और एक ये जाली वाली मतलब डलिया बास्केट कुछ भी बोलो क्या है, तो ये मैं लेकर आई हूँ। इसमें सब्जी वगैरह है या कुछ भी हमें पास्ता वगैरह बॉईल करके निकालना है, तो इस वजह से ये लेकर आई हूँ। और बस यहाँ पे मेलों में ज़्यादातर होता है कि 10 रुपये आइटम, 20 रुपये आइटम, ये भी बहुत लगते हैं, तो यहाँ पर ये 20 रुपये आइटम वाला था तो ये मैंने लिया है, तो ये 5 आइटम वहाँ से लिए मैंने। तो बस ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी मेले की। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस इस वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को मेरी आज की पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।